सहारा और पल्स जैसी चिटफंड कंपनियों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक चिटफंड और सोसाइटियों से जुड़ी हर एक ताज़ा ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की ताज़ा खबर क्या है। सहारा निवेशकों के लिए खुशखबरी, बीजेपी ने किया बड़ा ऐलान, जानिए कब तक मिलेगा पैसा। सहारा इंडिया लेटेस्ट न्यूज। इसे लाइब्रेरियन रिक्रूटमेंट बियबम librecruitmentbiobum.in 2024 ने प्रकाशित किया है। सहारा इंडिया लेटेस्ट न्यूज। सहारा ग्रुप के निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने संकल्प पत्र में एक बड़ा वादा किया है। पार्टी ने कहा है कि अगर वह सत्ता में आती है तो सहारा के सभी निवेशकों को उनका पूरा पैसा वापस दिलाया जाएगा। ये घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रांची में की। सहारा ग्रुप के निवेशकों को लंबे समय से अपने पैसे की वापसी का इंतजार है। कई लोगों ने अपनी जीवन भर की कमाई इसमें लगाई थी, ऐसे में बीजेपी का यह वादा उनके लिए बड़ी राहत की बात हो सकती है। हालांकि इस वादे पर विपक्षी दलों ने सवाल भी उठाए हैं। सहारा निवेशक मुद्दा क्या है? सहारा ग्रुप एक बड़ा व्यापारिक समूह था जिसने कई क्षेत्रों में काम किया। इसने लोगों से छोटी छोटी बचत के नाम पर पैसे जमा किए, लेकिन बाद में कंपनी मुश्किल में आ गई और निवेशकों का पैसा फंस गया। अब सरकार इन निवेशकों को उनका पैसा वापस दिलाने की कोशिश कर रही है। सहारा निवेशक योजना की मुख्य बातें, विवरण, जानकारी, योजना का नाम, सहारा निवेशक रिफंड पोर्टल, शुरुआत 18 जुलाई 2023, उद्देश्य सहारा निवेशकों को पैसा वापस करना, लाभार्थी सहारा ग्रुप की चार सहकारी समितियों के निवेशक, कुल पंजीकृत निवेशक लगभग 1.5 करोड़, अब तक वापस किया गया पैसा 241 करोड़ रुपये, लाभ पाने वाले निवेशक 2.5 लाख, न्यायिक निगरानी जस्टिस आर सुभाष रेड्डी। बीजेपी का वादा क्या है? बीजेपी ने झारखंड चुनाव के लिए अपने संकल्प पत्र में कहा है कि अगर वह सरकार बनाती है तो सहारा के सभी कानूनी निवेशकों को उनका पूरा पैसा वापस दिलाया जाएगा। इसमें निवेशकों की एक एक पाई शामिल होगी। ये काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। अमित शाह ने कहा, बीजेपी फिर से दोहराती है कि जिन लोगों ने कानूनी तरीके से सहारा सहकारी में निवेश किया है, उन्हें बीजेपी सरकार से अंतिम पैसे तक मिलेगा। सरकार ने अब तक क्या किया है? सहारा निवेशकों को पैसा वापस करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। एक, रिफंड पोर्टल 18 जुलाई 2023 को सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज CRCS सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया गया। दो, पहली किस्त जारी 4 अगस्त 2023 को अमित शाह ने पहली किस्त जारी की, जिसमें 112 लोगों को 10,000 रुपये दिए गए। तीन, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को आदेश दिया कि सहारा सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपये CRCS को दिए जाएं। और चार, न्यायिक निगरानी। इस प्रक्रिया की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी कर रहे हैं। किन सहकारी समितियों के निवेशकों को मिलेगा लाभ? इस योजना के तहत चार सहकारी समितियों के निवेशक अपना पैसा वापस पा सकते हैं। एक, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। दो, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड। तीन, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। और चार, स्टोर्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। निवेशकों को कितना पैसा मिला है? अमित शाह ने बताया कि अब तक कुल 1.5 करोड़ निवेशक पंजीकृत हुए हैं, 2.5 लाख लोगों को पैसा वापस मिला है, कुल 241 करोड़ रुपए लौटाए गए हैं। विपक्ष का क्या कहना है? विपक्षी दलों ने बीजेपी के इस वादे पर सवाल उठाए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM का कहना है कि बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है। उनका आरोप है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए झूठे वादे कर रही है।
जेएमएम ने पूछा है कि अगर बीजेपी सच में निवेशकों की मदद करना चाहती थी तो उसने पहले ऐसा क्यों नहीं किया।